बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हयात्स किचन एंड व्लॉग में खुशामदीद। आज की हमारी रेसिपी ट्रेडिशनल रेसिपी है मटन पुलाव की। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए किस कदर खूबसूरत मज़े की बनी है। और सबसे पहले आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो ये सबसे पहले 1 किलो मटन है, इसको मैंने डिफ्रॉस्ट कर लिया हुआ है, तकरीबन ये डिफ्रॉस्ट है। और इसमें यखनी के लिए हम लेंगे 1 अदद प्याज, 1 लहसुन और ये 1/2 चाय की चम्मच जो है ये दालचीनी पाउडर है, आप साबुत स्टिक्स भी ले सकते हैं। 1 चम्मच सूखा धनिया है, 1 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच ज़ीरा है, 2 छोटी इलायची हैं, 6 से 7 अदद ये लौंग हैं, जावित्री है और 1 अदद बादियान का फूल है, तेज़पात और बड़ी इलायची भी आप शामिल कर सकते हैं साथ में। तो इसको हम पोटली बनाएंगे। तो मैंने इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी लिया है और उसमें ऐड कर रही हूँ मटन को, क्योंकि हम यखनी बनाएंगे। और प्याज के मैंने 4 स्लाइसेस कर दिए हैं और ऐड कर दिया है। बाकी तमाम स्पाइसेस को हम एक पोटली में डालेंगे, हम ऐसे ही ऐड कर देंगे क्योंकि वो पहले ही पाउडर की शक्ल में है। और बाकी हम पोटली बना लेते हैं, बाकी स्पाइसेस को पोटली में डाल लेते हैं। ये देखिए पोटली बना ली है। अब इसको हम गिरा लगा देंगे अच्छे से टाइट करके। आप लोगों को मानो की आवाज़ आ रही होगी, हमारी कैट है बोल रही है, कह रही है कि मुझे बोटी दो। पोटली में ऐड करना भूल गई मैं, तो अब इसको ऐसे ही मैं शामिल कर रही हूँ, हम रिमूव कर लेंगे बाद में। 1 चम्मच तकरीबन 1 किलो चावल हैं, 1 किलो मटन है, तो 3 पाव के करीब चावल हैं। और मैं 2 चम्मच जो है नमक के ऐड कर रही हूँ, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच ग्रीन चिलीज। तो अब हम इसको लगा देंगे प्रेशर ताकि ये अच्छे से गल जाए, यखनी तैयार हो जाए। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें 1 मीडियम साइज का प्याज है वो ऐड कर दूंगी। इसको हम फ्राई करेंगे जैसे नॉर्मल हम चावलों के लिए प्याज फ्राई करते हैं जी। तो दूसरी तरफ हमारी यखनी रेडी हो गई है। मैं सबसे पहले पोटली को निकाल दूंगी, अच्छे से निचोड़ के मैं इसको निकाल दूंगी। और देखें ये यखनी काफ़ी है, बिल्कुल काफ़ी है, और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, और नहीं पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। प्याज सौते हो गया है, अब मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी और हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। जस्ट 10 to 20 seconds, बस इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। हमारा लहसुन जो है वो जलने नहीं चाहिए, हमेशा लहसुन और अदरक को तो आप बिल्कुल कच्चा यूज़ करें, और लहसुन को भी आप 10 to 20 seconds के लिए बस फ्राई किया करें, ताकि इनके जो अफादियत है, बेनिफिट्स हैं, वो हमें प्रॉपर मिल सकें। अदरक जितना ज़्यादा आप फ्राई करेंगे उतनी ज़्यादा वो आपको जलन करेगा, और जितना आप कच्चा यूज़ करेंगे अदरक का, वो जलन की प्रॉब्लम को, सीने की तेजाबियत को, मेदे की तेजाबियत को कंट्रोल करता है जी। तो ये हो गया डन। अब मैं इसमें शामिल करती हूँ टमाटर जी। तो टमाटर ऐड कर दिया है, और अब टमाटर को हम सॉफ्ट होने देते हैं जी। अब गोश्त ऐड कर दिया है इसमें,
अब हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे। गोश्त डन हो गया है, अच्छे से फ्राई हो गया है, इसकी भुनाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसमें यखनी ऐड करती हूँ। इसमें हम यखनी ऐड कर देंगे कि अंदाज़ा हो जाए मुझे कितना पानी कम है, क्योंकि चावल भी काफ़ी देर से भिगोए हुए हैं। जी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे पानी की, चावल डूब गए हैं। मैं नाप खिला खिला बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी सिरका, वरना मटन वाले चावल जो हैं वो चिपक जाते हैं मटन और बीफ के। अब ये मैंने 2 से 3 चम्मच जो है सिरका ऐड किया है, तो अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, बिल्कुल खड़े खड़े खिले खिले चावल बनेंगे। ये चावल दम के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा कलर देना है बिरयानी की तरह को, तो मैं कलर ऐड कर दूँगी। दिया है मैंने इसके नीचे पतीले के, और आंच उतनी की उतनी है ताकि अच्छे से दम आ जाए। वाओ, इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है, किस कदर जबरदस्त खिले खिले बने हैं। मैंने थोड़ा सा कलर दिया, अच्छा लग रहा है। अब ये पुलाव रेडी है, साथ में मिंट या सब्ज़ धनिया मिंट और सब्ज़ मिर्ची की का रायता बनाया है, बहुत ही मज़े का। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिए और न्यू रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।